बच्चों, मैं सुनीता बैरवा नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर 7, जिसका नाम है बालक का स्वप्न यानी कि बालक का सपना। बच्चों प्रस्तुत पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार एक बालक जो होता है वो अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों को पूरा कर लेता है। यानी जो बच्चा होता है उसे एक सेठ के यहाँ वो काम करता है, उसे वह नौकरी से निकाल देता है और वह फिर क्या करता है, जमींदार के पास नौकरी लग जाता है और जमींदार भी उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर वह राजा के पास मंत्री बन जाता है और वह अपनी मेहनत से उसके बाद में स्वयं खुद एक राजा बन जाता है। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं हम पाठ बालक का स्वप्न यानी कि बालक का सपना। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था, यानी एक सेठ था उसके यहाँ पर एक बच्चा नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा और एक रात को स्वप्न यानी कि सपने में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। यानी जो बच्चा था वो रात को सोते सोते चिल्ला उठा कि अहो यानी ओहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, और सेठ ने जब यह सुना तो उसने बालक को जगाया और पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा है, कि अरे क्यों चिल्ला रहा है यह। वह लड़का कहने लगा, यो ही कोई खास बात नहीं है। और वो बच्चे से जब सेठ जी ने पूछा तो उस बच्चे ने बताया कि कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अगले दिन सेठ ने उससे उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी, और अगले दिन जब वो बच्चा सेठ के यहाँ काम पे गया तो उसने पुनः यानी कि दोबारा वो बात पूछी कि तुम चिल्लाए क्यों थे रात को। पर वह टाल गया, पर उसने उस बच्चे ने क्या किया, उस बात को उसने टाल दिया, उसने सेठ की बात का जवाब नहीं दिया, सेठ के प्रश्न का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। उस दिन से उस बालक ने क्या किया, वह छिपकर पढ़ाई करने लगा, यानी कि वह काम करता और जब उसे समय मिल जाता तो वह पढ़ाई करता। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मैं यहाँ मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। और एक दिन उसने क्या किया, सेठ ने क्या कहा कि या तो तू मुझे उस सपने के बारे में बता कि जो सपना तू उस दिन रात को देख रहा था और उस सपने को देखकर चिल्ला उठा था, उस सपने के बारे में या तो तू मुझे बता दे या फिर तू मेरे यहाँ पर काम करना छोड़ दे। मतलब तुझे मेरे यहाँ काम करने के लिए उस सपने के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। लड़का चतुर था, यानी लड़का बहुत चालाक और समझदार था, होनहार था। उसने नौकरी छोड़ दिया, उसने क्या किया, जैसे ही उस सेठ ने कहा कि या तो सपना बताओ या नौकरी छोड़ दो, तो उस बालक ने क्या किया, वहां पर नौकरी करना छोड़ दिया। उसने पढ़ाई चालू रखी और उस बच्चे ने क्या किया, अपनी जो पढ़ाई थी वह चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई, और इसके बाद जो सेठ के यहाँ सेठ ने उसे काम से निकाल दिया तो उसे कहाँ पर नौकरी मिल गई, जमींदार। और जो जमींदार किसे कहते हैं, जमींदार उसे कहते हैं जिसके पास बहुत सारी जमीनें हों और उसके यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हो। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया, और एक दिन जो सेठ जी थे उन्होंने वो कहाँ पर आए, वो सेठ जी जो जहाँ पर बच्चा पहले काम करता था, वह सेठ जी किसके पास आए, जमींदार के पास एक दिन कपड़े लेकर आए। उसने लड़के को वहां काम करते देखा, और जो सेठ जी थे जिसके यहाँ पहले बच्चा काम करता था उसने उस बच्चे को जमींदार के यहाँ पर काम करते हुए देखा। सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी, और जो सेठ जी थे उन्होंने जो जमींदार है ना उनको ये बता दिया कि इस बच्चे को एक स्वप्न यानी कि सपना आया था और मैंने इस कारण से पूछा और इसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन मुझे वो सपना नहीं बताया। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, और इस बात पर यानी सेठ जी ने जो उसे बात बताई जमींदार को, इस बात पर जमींदार जी ने क्या किया, उस बच्चे को उस लड़के को वहां पर बुलाया। लड़के या तो तू मुझे अपने सपने की बात बता दे, कि लड़के या तो तू मुझे ये बता दे कि तूने उस सपने में क्या देखा था, या फिर मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा, कि मैं आज ही, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें आज ही मेरे यहाँ नौकरी से निकाल दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का था, मतलब उसके जो इरादे थे वो पक्के थे, इस बच्चे के जो इरादे थे वो पक्के थे और उसमें पूरी लगन थी काम करने को, और दृढ़ निश्चय था, मतलब उसके सारे जो लगन थी वो बिल्कुल पक्की थी और वह अपने इरादों का पक्का था। उसने कुछ नहीं बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने मतलब जमींदार को भी अपने सपने के बारे में नहीं बताया और वह नौकरी उसने छोड़ दी। पहले बच्चों सेठ ने उससे पूछा
और नहीं बताने पर सेठ जी ने कहा कि अगर मैं आप मैं मतलब अगर तुमने मेरे मुझे नहीं बताया कि सपने में क्या देखा तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन उस बच्चे ने नहीं बताया। उसी के साथ जब वह दूसरी जगह काम उसको मिल गया जमींदार के पास, तो जमींदार ने भी यही किया और मतलब उससे पूछा कि तुम मुझे बताओ वरना मेरे यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें आज ही काम पर से निकाल दूंगा। तो उस बच्चे ने क्या किया, जमींदार के यहाँ से भी नौकरी छोड़ दी। उसने कुछ नहीं बताया, मतलब उस बालक ने कुछ नहीं बताया और नौकरी से अलग हो गया और उसने नौकरी जमींदार के यहाँ से छोड़ दी। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, मतलब उसने अपनी अध्ययन यानी कि पढ़ाई चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और वह अपनी समझदारी से राजा के यहाँ पर नौकर हो गया, यानी कि वहां पर वह काम करने लगा राजा के पास। और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया और एक दिन अपनी मेहनत से अपने आत्मविश्वास से राजा ने उसे क्या बना दिया, तरक्की कर करके वह क्या बन गया, राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात अचानक एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया और अचानक से वही जमींदार जिसके यहाँ जिसने उसे काम पर से निकाल दिया था, वह जमींदार कहाँ आया, राजा के पास। और राजा और उसने उसे पहचान लिया और जमींदार ने भी उस बालक को पहचान लिया। जिस प्रकार सेठ ने उसे जमींदार के यहाँ काम पर देखकर पहचान लिया था, उसी प्रकार जमींदार ने भी उसे यहाँ पर पहचान लिया था और राजा से सारी बात कह सुनाई। और राजा को जमींदार ने सारी बात बता दी कि ये जो बच्चा है इसको एक दिन स्वप्न आया था और जब हम लोगों ने इसे सपने के बारे में पूछा तो इसने उस सपने के बारे में हमें नहीं बताया और अपनी नौकरी ही छोड़ दी। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? और राजा ने इस बच्चे को बुलाया क्योंकि वह मंत्री बन चुका था, उसने उसे बुलाया कि मंत्री जी आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ एक सपना देखा था, वह सपन क्या था? आप या तो वह सपना हमें बताइए कि फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। मतलब राजा ने उसे कहा कि या तो आप मुझे सपने के बारे में बता दो या फिर दंड के लिए यानी कि सजा के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया और उस बालक ने यानी कि जो मंत्री बन चुका था उसने इनकार कर दिया यानी कि मना कर दिया कि मैं सपना नहीं बताऊंगा। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में यानी कि जेल में डाल दिया, उसे जेल में बंद कर दिया क्योंकि उसने सपना नहीं बताया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। और कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा मतलब जो राजा था जिसके यहाँ वो बच्चा या मंत्री बन गया था और जिसने उसे कैद खाने में डाल दिया था, उसके पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की यानी कि उस पर आक्रमण करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली और उसने सीमा पर यानी कि बच्चों राज्य की जहां से उसका राज्य खत्म होता था और दूसरे पड़ोसी राज्य का राजा का राज्य शुरू होता था, उसने वहां सीमा पर सेना भी खड़ी कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए दो घोड़ियां भेजी और इन्होंने मतलब उस राजा की और मंत्री की चतुराई यानी कि वो कितने होशियार है ये जानने के लिए उसके राज्य में दो घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। और वहां पर राजा मंत्री की चतुराई जानने के लिए उसने क्या किया, घोड़ी भेजी दो और यह पूछवाया मतलब ये प्रश्न पूछा कि आप लोग बताइए कि इनमें से मतलब माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल न कर सका, मतलब सभी ने बहुत कोशिश की, राजा ने और उसके जो बाकी के मंत्री थे उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी उस प्रश्न का हल नहीं ढूंढ सका या कोई भी उसका उत्तर नहीं बता सका। राजा का नौकर बदली मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था और राजा का जो एक नौकर था वो उस मंत्री को यानी उस बालक को रोज भोजन यानी कि नित्य यानी कि प्रतिदिन भोजन देने जाता था, मतलब उसे कोठरी में या जेल में भोजन पहुंचाने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई और उस नौकर ने क्या क्या सारी बातें मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगे और राजा को परेशान देखकर मतलब नौकर से उसे पता चला कि राजा बहुत परेशान है क्योंकि पड़ोसी राज्य ने क्या किया है, वहां पर दो घोड़ियां भेजी है और हम ये बता नहीं पा रहे हैं कि माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। तो उसने सुनकर मंत्री जी मतलब वो बालक कहने लगा, यह कौन सी कठिन बात है कि यह कौन सा कठिन प्रश्न है या कौन सा कठिन प्रश्न है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। और उसने कहा मंत्री जी ने जो जेल में बंद था जो मंत्री यानी कि जो बालक
उसने कहा कि दोनों घोड़े को नदी में बहाकर ले, मतलब दोनों घोड़े को नदी में ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। मतलब दोनों घोड़ियों को नदी के पास ले जाओ और जो आगे आगे चलेगी, मतलब जो पहले पानी में घुसेगी वह माँ है और जो पीछे पीछे चलेगी वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के दो तीन प्रश्न राजा ने भेजे, मंत्री ने सबको हल कर दिया। यानी कि जो बालक था जो वहां पर मंत्री बना था और जिसे राजा ने कैद कर रखा था, उसने सारे प्रश्न हल कर दिए, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। पड़ोसी राजा ने यह सोच कर कि इसे हराना ठीक कठिन है, और पड़ोसी राजा ने सोच लिया कि अब हमारे जो राजा है जिस पर वो आक्रमण करने वाला था कि उसे हराना कठिन है यानी कि मुश्किल है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है या मेरे प्रश्नों का जिसने उत्तर दिया है, उससे हम अपनी कन्या यानी कि हमारी बेटी का विवाह यानी कि हम शादी करना चाहते हैं। मतलब जो पड़ोसी राष्ट्र जो था या देश था वो उस पर आक्रमण करने वाला था, उसके सारे प्रश्न मंत्री ने हल कर दिए थे। तो उस पड़ोसी राजा ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि मेरे प्रश्नों के उत्तर जिस व्यक्ति ने दिए हैं, मैं उस व्यक्ति से अपनी बेटी यानी कि अपनी कन्या का विवाह यानी कि शादी करना चाहता हूँ। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई और इस समाचार को सुनकर पूरा राज्य अचंभित रह गया। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी और उस जो मंत्री वो बालक जो था उसकी चारों तरफ तारीफ होने लगी, प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया और राजा ने उसे मुक्त यानी कि स्वतंत्र कर दिया यानी कि उसे जेल से निकाल दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और जो पड़ोसी राजा था जो आक्रमण करने वाला था, उसने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, उस बालक से यानी कि जो कैद में था, जो बालक जिसने स्वप्न देखा था उससे शादी कर दी। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया और कन्या के विवाह के साथ साथ उसने अपना आधा राज्य भी उस बालक को दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी और अपने प्रश्न हल करने के लिए उसने उसकी प्रशंसा हुई इस राजा के भी कि इस राजा के राज्य में इतना बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने इतने कठिन कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो इसने इसको मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया जेल से और इसे तोहफे भी दिए, जैसे चल मतलब कई सारा धन और चल संपत्ति यानी कि जमीनें भी उसे दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। और कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, वो जो राजा था और जो मंत्री जो सेठ जिस और वो जो जमींदार जिसके वहां वो पहले काम कर चुका था, उसे सभी उन सभी को उसने आमंत्रित किया यानी कि उन सबको उसने बुलाया। जब वे सब वहां उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में कमरे में लेटे हुए थे। मतलब जब वह तीनों लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो बालक था जो वहां पर जिन्होंने उसके यहाँ पर नौकरी की हुई है, मतलब पहले जो नौकर की तरह काम कर रहा था, वह एक विशाल यानी कि बड़े और सजे हुए कमरे में लेटा हुआ है पलंग पर। उनकी पत्नी उनके पास बैठी है, यानी कि जिस राजा ने उस कन्या का विवाह किया था वो उनकी पत्नी वो वहां पर बैठी हुई थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी उनकी सेवा में जुटे हुए थे और बहुत सारे नौकर जाकर उसके पास उसकी सेवा कर रहे थे। चारों व्यक्ति भी उसके पास पास बैठे थे और चारों व्यक्ति उसके यहाँ पास बैठे थे। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य तो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था। तो तब उस मंत्री यानी उस बालक मंत्री राजा यानी उस बालक ने कहा कि आज आप जो सभी चीज देख रहे हो ना, कि मेरे पास में एक रानी बैठी मेरी सेवा कर रही है, मेरे पास नौकर जाकर है और मैं एक राजा बन चुका हूँ, यही बात मैंने एक दिन स्वप्न में देखी थी। और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था और मैं तभी इसलिए सपने में चिल्लाया था कि अहो मेरा भाग्य, कि ओहो ऐसा मेरा भाग्य है। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता, और अगर मैं आप लोगों को ये बात बता देता तो कोई मेरे इस सपने को पूरा नहीं होने देता। हो सकता है कि ईर्ष्या यानी कि जलन, लोभ, लालच और अपमान के वशीभूत यानी अपमान के कारण प्रेरित होकर आप मुझे मौत के घाट भी उतार देते। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि अगर मैं आप लोगों को पहले बता देता तो आप मुझे लालच, जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण मुझे मार देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। यानी कि हमारे जो दिमाग में जो विचार आते हैं उन्हें किसी के सामने व्यर्थ में ही प्रकट करने से अच्छा है कि हमें अपने योजनाबद्ध तरीके से उन्हें पूरा करने के लिए जुट जाना चाहिए, यानी कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए।
कर्म कठोरता लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति है महान बन सकता है। यानी कि अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास हो और कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो तो वह कठिन से कठिन परीक्षा भी पार कर सकता है। अब बच्चों हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ, स्वप्न यानी कि सपना, चतुर यानी कि चालाक, अकस्मात यानी कि अचानक, दंड यानी कि सजा, समस्या यानी कि उलझन, अचल संपत्ति यानी कि स्थायी संपत्ति, विशाल यानी कि बड़ा, सज्जित यानी सजाया हुआ, अतिरिक्त यानी अलग या भिन्न, दृश्य यानी कि जो दिख रहा है वह, ईर्ष्या यानी कि जलन, वशीभूत यानी कि वश में किया हुआ, योजनाबद्ध यानी कि योजनानुसार या विधिवत, निष्ठा यानी कि आस्था श्रद्धा, और कर्म यानी कि कार्य और काम। तो बच्चों आज हमने पढ़ा बालक का स्वप्न और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास रखना चाहिए और हमें व्यर्थ नहीं अपनी बातें किसी के सामने भी प्रकट नहीं करना चाहिए और हमें कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करने की पूरी पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।